देखिए, मुजफ्फरनगर का नाम जैसे आपने देखा, अभी अयोध्या फैजाबाद का नाम बदला गया है, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हुआ है। मैं पहले से कहता हूँ कि अक्रांता, जितने मुगल अक्रांता यहाँ आए, उन्होंने यहाँ की संस्कृति मिटाने का काम किया है और हिंदुस्तान की संस्कृति को बर्बाद करने का काम किया है। और खास तौर से जो हिंदुत्व से जुड़ी हुई चीजें थी, उन्होंने बर्बाद करने का काम किया है। उसमें बनारस भी है, उसमें अयोध्या भी है, उसमें मथुरा भी है, और बहुत से ऐसे स्थान हैं जिन्हें बर्बाद करने का काम किया है। आप देखेंगे 1633 में मुजफ्फरनगर का एक वहां नवाब हुआ करते थे, मुजफ्फर अली। मुजफ्फर अली ने नाम इसका मुजफ्फरनगर करने का, इसका ओरिजिनल नाम मुजफ्फरनगर नहीं, इसलिए हमने लोगों की बहुत सदियों से मांग उठती आ रही है, बहुत लोगों की डिमांड है कि इसका नाम चेंज किया जाए और इसका नाम लक्ष्मीनगर किया जाए। तो हमने उसी के मद्देनजर लोगों से, हमारा वायदा भी था, हम लोगों का वायदा भी था कि जब हम सरकार में आएंगे और इस स्थिति में आएंगे तो ये एक अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे और करेंगे। तो अब उसी में, इस क्रम में मुजफ्फरनगर का नाम मैंने कहा है कि भाई इसे बदल के लक्ष्मीनगर किया जाए। कोई विवाद खड़ा नहीं होगा। और विवाद किस बात का, किस बात का विवाद होगा? मुझे नहीं लगता। क्या विवाद इस बात पे नहीं होना चाहिए कि मुगलों ने पूरी संस्कृति को बर्बाद करने का काम किया है? अगर आज इतिहास को ठीक करने का काम किया जा रहा है तो इसमें बुराई क्या है?